Hello everyone, welcome back to my channel. Another week, another video. I haven't done sit down videos in a while, but इस video की बहुत requests आई थी and I wasn't gonna do one, but quarantine ने मुझे मजबूर कर दिया कि let's do something different. So I am ready at home, gonna take this makeup off right after I finish this video. But in this video I wanted to show you my vanity. Okay, so बहुत से सवाल आए हैं इस वैनिटी के बारे में, सो उन सारे सवालों का जवाब देते चलेंगे और आपको मेकअप कलेक्शन और अपनी ज्वेलरी कलेक्शन भी दिखाऊंगी विच आई स्टोर हेयर. ये सिर्फ मेरी वैनिटी नहीं है, नुमान की भी वैनिटी है, जो कि अग्री नहीं करते नुमान कभी कभार और मेरी शिकायत भी लगाते रहते हैं कि मैं सारी जगह ले लेती हूँ. बट दैट्स नॉट ट्रू, आई विल शो यू कि इसमें नुमान की भी चीज़ें हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Vlog style, because I literally cannot have someone stand and me talk about makeup the whole time. But ये जो vanity आपको पीछे दिख रही है, ये actually हमने कहीं से ख़रीदी नहीं थी. हमारा एक carpenter है जो हमारे यहाँ बहुत time से काम कर रहा है, उससे हमने ये vanity बनवाई थी. जो design था इस vanity का वो मेरे और मेरे dad का था. हमने Pinterest पे कुछ चीज़ें देखी थी कि किस तरह से हम drawers बनाना चाहते हैं. I always knew that I wanted lights on the side of the frame of the vanity, ताकि you know self lit हो वो और बहुत अच्छा लगे, and I wanted drawers के अंदर a built-in organization हो. So that is what we did with this vanity, and then we decided कि उसके ऊपर एक marble का शीट लगा देते हैं. ये जो शीट लगी हुई है, ये मार्बल की शीट है जो कि हमने लासानी से ख़रीदी थी, एंड इट्स नॉट एक्चुअल मार्बल, इट्स जस्ट अ शीट. सो या, एंड वी गॉट दिस मेड. अगर आप चाहते हैं तो आप भी ये बनवा सकते हैं अपने कारपेंटर से. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द थिंग्स, और मे बी यू कैन टेक पिंटरेस्ट एंड यू कैन यू नो यू कैन ऑल्सो गेट समथिंग सिमिलर मेड. या फिर पिंटरेस्ट से अगर कोई चीज़ आपको पसंद आ रही है तो वो आप किसी कारपेंटर या जो वुड का काम करते हैं लोग मुख्तलिफ मार्केट्स में, जैसे गुलशन में एक मार्केट है, आई नो इकरा यूनिवर्सिटी के पास एक मार्केट है जहाँ पे कारपेंट्री का काम होता है. दैट्स वेयर माई कारपेंटर सिट्स एज वेल. और भी बहुत सारी जगह जहाँ पर कारपेंट्री का काम होता है. आई मीन कराची इज़ ए ह्यूज सिटी. सो दैट शुरू करते हैं vanity ke tops. Hi, that's me, and as you can see this is the vanity top. Yahan pe from, if you remember my old vanity tour, mere paas ye tins the jo maine khadi se liye the, and I keep my makeup brushes in there. Ye pura area hai jahan pe hum rakhte hain hamare perfumes. I am currently looking for a tray to keep my perfumes. Ek mere purane ghar mein hai. I don't want to get it, but if I can't find another tray, then I might get the same tray. But if you know any home decor pages, or if you are an owner of any home decor business, then contact me on email or Instagram DM, and I will see if we can collaborate. You can see this area is where Numan keeps his perfumes, and this is, well, I have more perfumes, though I keep my perfumes there. And if I had to pick a favorite, this one, this is Belly Sherry by Fragonard. And I remember एक दफ़ा मैंने बहुत पहले नुमान को बताया था कि दिस माई फेवरेट परफ्यूम, ही एक्चुअली गॉट इट फॉर मी. सो थैंक्स बेब, थैंक्स फॉर दैट. देन मूविंग ऑन टू दिस साइड, दिस इज़ वेयर आई कीप ऑल माई स्किन केयर. आई रियली कट डाउन ऑन स्किन केयर. मैंने सोचा है कि जितना कम स्किन पे आप लगाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा. तो आई जस्ट हैव अ मॉइस्चराइजर, ये डॉक्टर जार्ट का वाटर ड्रॉप मॉइस्चराइजर है. देन हेयर आई कीप माई नियासिड, ये एक साउथ कोरियन ब्यूटी ब्रांड है और उन्होंने मुझे ये भी भेजा है हिवालेड. आई कैन नेवर प्रोनाउंस दिस, बट दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक. एंड दिस इज़ फॉर एक्ने स्कारिंग, एंड दिस इज़ फॉर हाइपर पिगमेंटेशन एंड जस्ट लाइक प्रेपिंग अप योर स्किन. ओके, देन वी हैव अनदर मास्क, एंड आई ओनली यूज दिस इफ माई स्किन इज सुपर ड्राई. ये भी डॉक्टर जार्ट का मास्क है. Oops. On this side we have all the utility things, jaise deodorant, lens ka solution, that's my deodorant, that's Noam's deodorant, and this is hair wax jo ke Noam istemal karte hain. And then we have a candle burning. This is usually not hair, but aaj maine video ke liye jala di. Ye hai Coolish ki apple crumble, and this is a Pakistani brand, so they make candles. Also, before we continue, I'm going to take the coat off because it's really hot.
राइट, दैट इज़ अ लॉट बेटर. ओके, ये जो वॉज है यहाँ पे आपको दिख रहा है, आई एक्चुअली डिड शो दिस इन अ प्रीवियस व्लॉग कि हम लोग ने गुल प्लाजा से लिया था. एवरीथिंग ऑन हेयर इज़ फ्रॉम गुल प्लाजा. वॉज की प्राइस थी प्रॉब्ली 4,000 rupees. वी सुपर बारगेन्ड व्हेन वी गॉट दिस, लाइक वी वर इन अ सुपर सुपर बारगेनिंग मोड. तो ये सस्ता पड़ा था. और ये जब सब ऊपर का जो है, ये आई थिंक मे बी 1200 का था, लाइक एवरीथिंग, मे बी मोर, आई डोंट रिमेम्बर. ओके, ये साइड जो है, दिस इज नुमान साइड फ्रॉम द टॉप, एंड देन एज यू गो डाउन इट बिकम्स लाइक अ शेयर्ड सेक्शन. तो स्टार्टिंग ऑफ, फर्स्ट ड्रॉअर हैज द फॉलोइंग कॉन्टेंट्स. मेसी है ये वाला सेक्शन, बिकॉज आई मीन देर इज नो वे यू कैन अरेंज दिस. सो वी हैव हेयर टाइज, हेयर ब्रशेज, सम एक्स्ट्रा लेंस केसेस. यहाँ पे नुमान की कुछ सन ग्लासेस हैं, उनके एक्स्ट्रा लेंसेज हैं, एंड जो कि एयरप्लेन की किट्स मिलती हैं वो पड़ी हुई हैं यहाँ पे. सो द थिंग इज़, आई रियली वांट टू क्लियर द सेक्शन आउट, बट नुमान डिड नॉट लेट मी बिकॉज ही सेड कि ये सारी इसकी बचपन की चीज़ें हैं जो कि कलेक्ट करते आए हैं. तो आई एम गेसिंग दिस मग हैज़ सम सेंटिमेंटल वैल्यू विच ही कैन नॉट टच. सो दिस इज ऑल हिज लाइक ड्रॉअर ऑफ टिडबिट्स. देन इससे नीचे वाली में थोड़ी सी रैंडम चीज़ें हैं. सो आई हैव माई सन ग्लासेज हेयर, and then we have a body lotion, my straightening hair tools, and then my nail polishes. Aur niche wali drawer mein literally kachra hai. This one has a few of my sunglasses and some of my Lush bath bombs. Bilkul niche wali drawer kachra, guys, you don't even want to go inside there. Okay, then we move on towards this section. To wahan thi aapki 1 2 3 4 5 drawers there and 4 in the middle, so quite a lot of drawers. ओके, ये जो ड्रॉअर है इसके अंदर है सारी ज्वेलरी. सो दिस सेक्शन हैज़ ऑल द छोटे इयररिंग्स, देन थोड़े बड़े, लाइक सम सॉर्ट ऑफ तरतीब जो कि मैंने किया है. मतलब यहाँ पे ब्रेसलेट्स हैं, देन वी हैव वॉचेस. एंड ऑनेस्टली आई वुडंट, मतलब मैं किस तरह से आपको बताऊँ कि इसमें किस तरह से तरतीब है. इट्स जस्ट, इट मेक्स सेंस टू मी, लाइक दिस इज वेयर आई कीप ऑल माय रिंग्स. ओह वेट, आई शुड वेयर सम रिंग्स. Laws, I just wore everything that I could find. Okay, so moving on, इस वाली drawer में we have some more jewelry. Now यहाँ पे कुछ necklaces वगैरह पड़े हैं, जैसे कि एक माला है मुझे receive हुई थी. Then we have some more necklaces and some earrings, mostly like PR stuff, क्योंकि आजकल PR jewelry काफ़ी उरूज पे आ चुकी है. Oh, and look at these. This is like chunky earring section. So I have these are very pretty. ये actually PR नहीं थे, ये मैंने खरीदे थे. Then we have these earrings, and I'm gonna try and list all the jewelry pages जो कि मुझे पता है Instagram पे होते हैं down below, क्योंकि ये भी Instagram पेज ने मुझे भेजे थे. Oh, and I wanna show you these are really really pretty, like coin earrings. Recently when I went on a trip, I got these from H&M. ये छोटे से like earrings हैं, studs, जो कि मैंने I am wearing something similar as well, if you can see. There we go. In this drawer we have all the lipsticks. Now I'm sure if you follow me on Instagram aapne ye drawer dekhi hogi. Okay, so how I've organized this drawer is like this. Choti brand ki cheeze hain jinki bahut sari cheeze nahi hai. So for example we have the balm ki choti choti cheeze hain. Then for example we have some NYX. I don't have a lot of NYX because I'm not in love with the quality of NYX stuff. So that, then we have some Maybelline, like wo brands jinki ek ek do do cheeze hain and zyada nahi hai, so they just go over here. Then here are all my sweet, actually wait, what is this? This is Estee Lauder ki Lip Sensual lip product. And ये वो हैं यहाँ पे. यहाँ पे मेरी सारी MAC lipsticks हैं. What is this? This is in a wrong area. Oh, this is supposed to go over here. ये यहाँ का नहीं है. I was looking for that. So यहाँ पे हमारी सारी MAC lipsticks हैं. And my favorite MAC lipstick has to be Taupe. Is this Taupe? No, this is Candy Yum Yum. I also really like Candy Yum Yum. But एक time था जब मैंने YouTube शुरू किया था, I was obsessed with MAC lipsticks. So that's why I have quite a few. देन यहाँ पे छोटी जो छोटी छोटी लाइक आपको टेस्टिंग पीसेज आते हैं ना, जब आप सेफोरा से कुछ खरीदते हैं, यू गेट सम लाइक टेस्टिंग बिट्स. आई हैव सम मार्क जेकब्स, वी हैव एस्टी लॉडर, रिमल, थ्रो बैग. दीज आर वन ऑफ द, ये वाली नहीं, एक्चुअली दिस वन. सो इफ़ यू रिमेंबर रिमल 107, ये बहुत ही पॉपुलर शेड था रिमल का. एंड आई बॉट दिस व्हेन आई वेंट टू द मॉल निर्मल और मेरी एक दोस्त शर्मीन के साथ. इफ़ आई कैन फाइंड दैट व्लॉग, आई विल लिंक इट डाउन बिलो.
उस दिन मेरे पास खाने के पैसे थे सिर्फ एंड आई डिसाइडेड टू बाय दिस लिपस्टिक एंड नॉट ईट बिकॉज अ प्रायोरिटीज देन हियर वी हैव सम हाई एंड स्टफ लाइक माय टॉम फोर्ड ये आई थिंक वाहिद लिपस्टिक है टॉम फोर्ड की दिस वाज रियली एक्सपेंसिव एंड आई कांट बिलीव मैंने ये बहुत पहले ली थी जब मेरी पता नहीं इतनी सैलरी भी नहीं थी मैंने पूरी सैलरी मेकअप करवा दी थी सो दिस इज टॉम फोर्ड एंड देन वी हैव टू फेस्ड कॉस्मेटिक्स देन दिस इज YSL ओह आई लव दीज लिपस्टिक्स आई वांट टू गेट मोर ऑफ दीज मगर ये इतनी महंगी हैं यहाँ पे एंड बाहर से मंगवाना इज लाइक इफ यू ट्रैवल देन ओनली यू गेट इट सो दैट एंड देन वी हैव ओह आई थिंक आई हैव माय शार्लेट टिलबरी हेयर एज वेल लव दिस ब्रांड शार्लेट टिलबरी लव 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 दिस एरिया वी हैव लाइक ST London की बहुत सारी एंड कलर स्टूडियो की लिपस्टिक्स एंड अ फ्यू Maybelline Then we have more, what is this? Color Studio. Color Studio ke lipsticks bahut achhe hain, guys. I personally really like this one. This is, what is it called? Vigilante and Firecracker. Two of my favorite nude lipsticks by Sweet Touch. Color Studio. Then we have Entice Cosmetics. ये इन्होंने मुझे PR package भेजा था तो उन्होंने काफ़ी सारी भेज दी थी So we have those over here. Then we have ColourPop and Kylie Cosmetics here. Nyx Cosmetics. And then यहाँ पर है हमारी Rida Zen Cosmetics, Saba Beauty. Then we have my lip liners. And then पीछे आप देख सकते हैं lip crayon जो कितना इस्तेमाल नहीं करती हूँ मैं And then we have some more ST London pieces. And yeah, that is the lip drawer. Okay, moving down, ये है cheeks की drawer. So, if you look here, this is supposed to go over here. ये हैं सारे cheek tints. Then we have blushes. So this is a Tarte का blush palette. Then we have mini blushes. And then we have पीछे some highlighting kits, bronzing kits, and कुछ Miss Rose की random lipsticks. यहाँ पे we have all bronzers and then this section is highlighters and this is more highlighters and blushes. So as you can see, lipsticks मेरे पास बहुत हैं, blushes not so much. Okay, now we're moving on to this drawer. ये सबसे I think most used drawer है because it has all the foundations. I recently got rid of a lot of foundations जबकि ऐसे ही पड़े हुए थे and these are all the foundations that I actually use like नॉट ऑन अ डेली बेसिस पे ये वाला चीज़ ये वाला एरिया यूज़ होता है ज़्यादा जिसमें Maybelline का Fit Me है ST London की BB क्रीम है और Lancome का स्किन फील्स गुड है एंड ये क्लिनिक का है एंड बोर्जुआ भी एंड दीज आर लाइक मोर ऑफ द पार्टी वेयर फाउंडेशंस क्योंकि Lancome थोड़ी हायर कवरेज के हैं सो वी हैव दैट कंसीलर्स भी इधर हैं देन यहाँ पे वी हैव ऑल द पाउडर्स I have no idea why I have too many powders. और यहाँ पे हैं primers and setting sprays. And पीछे if you've heard of SK perfumes and they've sent me quite a lot of perfumes, so they all go in this section. Alrighty. Then we have this section. Okay, now ये जो section है ये I've tried to organize this a couple of times but I've failed because I think there's just too much stuff here. तो सीन ये है कि यहाँ पे सारा आई स्टफ है सो वी हैव लाइनर्स मस्कारास एंड देन मूविंग हेयर वी हैव सम पैलेट्स तो ये कुछ ब्रॉन्जिंग और चीक पैलेट्स हैं ओके सो दिस इज मेनली चीक स्टफ सो लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ पैलेट्स रादर देन लूज जैसे आपने देखा कि यहाँ पे सिंगल सिंगल थे तो यहाँ पे सारी पैलेट्स हैं सो वी हैव दिस बेनिफिट की चीकसॉन पैलेट एंड वी हैव दिस स्लीक की पैलेट्स दीज ऑल्सो आई गॉट फ्रॉम जस्ट फॉर गर्ल्स major throwback when I barely had any money और जो ईदी मिलती थी उससे जो मेकअप खरीदा जाता था ये वो है सो दैट्स वाई नेवर वॉन्ट गेट रिड ऑफ दिस स्टफ बिकॉज आई रियली वर्क हार्ड फॉर दैट स्टफ इसमें मेरी बहुत सारी सैलरीज हैं इस ड्रॉअर के अंदर ओके देन वी हैव दिस क्या है Oh, Timeless Essentials. This was sent to me by Biggest Cosmetics. They have some nice stuff. Check it out. Then we have some palettes and NARS, Too Faced. Oh, this is one of my favorite palettes. Love this. This is a blush palette with highlighting. Amazing. Or NARS ki bhi. I remember I got this and Becca when I was working in EY. Okay, then we have ये Becca की palette. ये बहुत popular palette थी YouTube world में and that is why I bought it. I mean, YouTube really makes you want to buy things that you don't really need. So, YouTube made me buy that. Then we have
लश की पैलेट एंड ये कुछ मुझे शादी के टाइम पे गिफ्ट्स मिले थे तो ये वो है. एंड देन वी हैव दिस, ओह दिस इज़ रियली गुड, ये मिस रोज़ की ब्लश पैलेट है एंड ऑनेस्टली दिस इज़ सुपर अफोर्डेबल एंड इसमें कलर्स बहुत अच्छे हैं. सो इफ़ यू आर लुकिंग टू गेट लाइक अ ब्लश पैलेट देन दैट इज़ गुड. एंड देन हियर वी हैव सम कंटूर पैलेट्स लाइक दिस. जब मैं यू एस गई थी 2015 में तब ली थी मैंने एंड ये मुझे एक्चुअली PR आया था from Art Deco. Eye makeup drawer, alrighty. Now you may be fooled. Actually, no wait. This is quite a bit of eye makeup stuff considering ki main itna eye makeup karti nahi hu. Nor today I really went all out with my makeup. I mean, I never do blue eyeshadow. It's my first time, so yeah. But I had a palette and I decided to experiment. Now I'm gonna show you which palettes these are. Okay, so this is the stuff. If you guys look, bahut sara lag raha hai, magar honestly, this is worth 7-8 years of collecting makeup. Not gonna lie, it's been a while since I've been collecting, so that is why I have a lot of stuff. If you remember, this is one of my favorite makeup palettes. Now usko ek haath se kaise khole. Yeah, there we go. This is one of my favorite makeup palettes. This is the Anastasia ki Prism palette. Ye meri nani ne mujhe gift di thi for my birthday. And it's an amazing palette if you're looking for high-end shadows. Anastasia is very good. And then ye maine recently li thi, the Zoella ki Brunch Date Colourpop. And then we have some makeup palette, Urban Decay ki. Then we have some ye jisme ye aapko jo dikh rahi hai sari makeup revolution ki. Makeup Revolution is a great brand for makeup palette and also Too Faced. And we have Smashbox, Thodi Huda Beauty ki hai, ye Charlotte Tilbury ki ek palette hai, very good for traveling. And then we have some Tarte ki palette, ye Makeup Revolution again, some more Tarte. And this is Beautify by Amna, aur ye mere paas Huda Beauty ki ek hi wahid lash hai. Fun fact, I really don't know how to put fake lashes on, so that's why I only have two. Then here we have, this is Zay Beauty and I really like their makeup, guys. This is a local brand and it's super affordable compared to like Tarte and stuff. And then here we have a Tartelette and which random or palettes and peach. Okay, then we move here. We have jewelry. So ye sare necklaces hain. I don't want them to get tangled, so isliye main unko phaila ke rakh diya. But ye ek like, if I get more stuff then obviously ye phir kahin aur unko ship karna padega. And सबसे नीचे वाली drawer में we have random stuff like a lot of beauty blenders. I'm gonna give these to some of my friends because obviously मेरे पास इतने मुँह नहीं है कि मैं इनको खुद ही इस्तेमाल करूँ. और कुछ makeup wipes पड़े हुए हैं, cotton buds and like hair accessories and yeah. Okay, now जो ये है यहाँ पे literally सिर्फ कचरा है. So bags, travel items, वो चीज़ें यहाँ पे हैं. So yeah, I have to sort that out. And same here. यहाँ पे सिर्फ makeup bags हैं और थैलियाँ पड़ी हुई हैं और कुछ घड़ियाँ पड़ी हुई हैं. That's it. I'm gonna back up and give you a view. अगर आपको screenshot करना है आप ये screenshot कर सकते हैं. If you wanna make something similar. Oh, ये mirror. इसके बारे में बहुत सवाल आते हैं. ये mirror मेरे dad ने गिजरी से लिया था. गिजरी एक market है phase 4 में, तो उनके पास इस तरह की चीज़ें बहुत होती हैं. इसके अलावा इफ़ यू वांट टू लुक एट JB सईद, वो मॉल में है, बट आई थिंक गिजरी जैसी मार्केट में आपको ये चीज़ बहुत सस्ती मिल जाएगी. सो दैट इज़ वेयर दिस इज फ्रॉम. कैन आई फिट इन हियर? हेलो. सो दिस इज़ द ऑटोमन जिसके अंदर जूते होते हैं एंड दिस इज़ ऑल्सो मेड बाय द कारपेंटर. ये जो ऊपर स्प्रेड है, दिस इज़ एक्चुअली अ बेड स्प्रेड जो कि मैंने इस पर डाल दिया है एंड आई थिंक इट लुक्स क्यूट. एंड दिस वॉज गिवन टू बी माई मॉम, उनको किसी ने दिया था उनकी शादी पर, सो शी गेव इट टू मी. This is what it looks like. तो ये इसका cover है और ये जो कपड़ा है जिससे हमने dressing table को भी cover किया है, this we got from nursery. Nursery is a market here in Karachi जहाँ पे सोफ़े के covers, पर्दे के कपड़े सब मिलते हैं. So this was essentially I think पर्दे का कपड़ा maybe और सोफ़े का, I'm not sure, but इसमें like हल्का सा pattern है and it's like a creamy color. And ये इसका ढक्कन है. If you move this, we have शूज़ इनसाइड. अच्छा, ये जो ऑटोमन है ये डिज़ाइन किया था मैंने और मेरे डैड ने साथ मिलकर. वी फाउंड स्टफ फ्रॉम पिंटरेस्ट एंड देन वी डिसाइडेड के जस्ट यू नो यूज़ दिस टू पुट शूज़. जैसे कैन जस्ट टेक दिस शूज़ एंड आई कैन पुट दिस इन हेयर. तो ये पॉकेट्स बनी हुई हैं इसके अंदर और ये भी इसी कपड़े की बनी हुई हैं. हल्का सा इसमें फोमिंग की है सो दैट टू मेक इट सॉफ्ट.
एंड सो ये उसी कारपेंटर ने बनाया है, बट इफ़ यू वॉन्ट यू कैन गो टू पिंटरेस्ट एंड जस्ट टाइप शू ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स गोना गिव यू सो मेनी आइडियाज़ कि किस तरह से आप क्या चीज़ बना सकते हैं. सो दैट इज़ दैट. सो दैट वॉज माई वैनिटी टूर. आई होप आपको ये वैनिटी टूर पसंद आया हो. अगर आपको पसंद आया है देन मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप. सब्सक्राइब टू माई चैनल. ऑल्सो अगर आपके पास और कोई रिक्वेस्ट हैं, आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, पता करनी है, आप मुझे रिक्वेस्ट करें. बिकॉज आजकल तो क्वारंटीन है तो हम घर पर ही होते हैं. ऑफिस का काम चल रहा है बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू फुलफिल योर रिक्वेस्ट. या बाय.